खाना आ चुका है हमारा, जैसे मैंने पहले कहा था कि आपसे खाने की वीडियो शेयर करूंगी जब हमारे डिनर आएगा। तो हमारा खाना आ चुका है, तो जो कि हम एक अपार्टमेंट में चार लोग रहते हैं तो हम चारों के लिए खाना है। सी लस्सी, रोटी, उनकी रोटी बहुत यमी होती है, और पानी की बॉटल, सालन, सालन में देखते हैं क्या आया है। तो सालन में आया है चिकन, चिकन चिकन इनको बहुत पसंद है, क्योंकि चिकन हमने सुना है यहाँ पे कि चिकन इतना एक्सपेंसिव नहीं है जैसे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो 900 केजी पर केजी मिल रहा है ना, तो यहाँ पे सुना है कि चिकन बहुत सस्ता है। मेरे फ़ोन की बैटरी लो है इसलिए मैंने साथ पावर बैंक लगा के और केबल अटैच की हुई है ताकि आपके साथ वीडियो शेयर करूँ। और मेरी फ्रेंड ने पीछे लॉन्ड्री रखी हुई है क्योंकि कल मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे है तो कल हमारी लॉन्ड्री जाएगी, तो इसलिए हमने पहले से ही अपनी लॉन्ड्री भी रेडी कर ली है। तो सुबह 8 बजे वो लॉन्ड्री लेने के लिए आ जाते हैं। और यह आया है सैलेड, 4 बॉक्सेज है, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो हम 4 हैं इसलिए हर चीज़ चार चार ही आती है। सो अभी कल तो खैर मेरा बहुत कल तो मेरा ऑफ है, और आगे 3 दिन ये इस्लामिक कंट्री है तो हमारा है न्यू बैच। अभी हमारा न्यू बैच जो हमारा लोकल पीरियड चल रहा है तो हमारे 4 ऑफ दिए हैं हमें, लेकिन जो सीनियर नर्सेज हैं तो उनके ऑफ हमारे ऑफ के साथ नहीं मैच करते, उनके ऑफ अलग हैं, तो हमें तो खैर 4 ऑफ दिए हैं। तो वीडियो शेयर करूँगी, अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी आपके साथ, और एंजॉय करूँगी आपके साथ अपनी डेली व्लॉग्स बना के, बातें करके, अपनी रूटीन बना के बता के। सो अभी 2 स्क्रब तो मैं लॉन्ड्री में भेजूँगी सुबह, और बाकी जो मेरे कपड़े हैं वो मैं खुद वॉश करूँगी। सो आपको दिखाती हूँ कि मशीन कैसे चलाते हैं, वॉशिंग मशीन, क्योंकि मुझे चलाने नहीं आती, मैंने अपने फ्रेंड से सीखी है। तो कपड़े लेके जाते हैं अपने वाइट कपड़े हैं, यूनिफॉर्म। सो वाइट यूनिफॉर्म है, फोन में रखे हुए यहाँ। वॉशिंग मशीन की सेटिंग भी हमारी अंदर ही है, वॉशिंग मशीन की सेटिंग। तो ये हमने खोला है वॉशिंग मशीन, आपको नजर नहीं आ रही होगी है ना। चलो आगे करते हैं, ये हमारा स्टैंड है। वाइट यूनिफॉर्म ही होता है, एज़ यू नर्स इसका वाइट यूनिफॉर्म ही होता है। तो हम कपड़े डालते हैं, टी शर्ट है, यहाँ पे बहुत ठंड होती है, लेकिन ये मुल्क तो कंट्री तो बहुत गर्म है, लेकिन वेदर इसका बहुत गर्म है। लेकिन ये है कि हर जगह सेंट्रल एसी है, हर जगह सेंट्रल एसी है, तो हमें जो है ना वो यूनिफॉर्म के नीचे भी अपनी सेफ्टी के लिए। तो इसको भी आप बंद, और मैं डिटर्जेंट लेकर आती हूँ। काम करना पड़ता है, खैर मैं शादी के बाद काम करती थी लेकिन थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरी मामा ने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली हुई थी शादी के बाद, और शादी से पहले तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन ये कि काम आपको संभालने चाहिए। ये हमारे स्पून है, ये भी 4-4 का पेयर है, 4 नाइफ, 4 स्पून, 4 फॉक्स, सब 4-4 है। काम आपको संभालने चाहिए। तो हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सर्फ, और हमने डाला है यूनिफॉर्म। ओके, हम इसको ओपन करेंगे, इसमें सर्फ डालेंगे,
मैंने कहा है ओनली 2 टेबल स्पून, तो हमने डाला 2 टेबल स्पून। तो इसको किया बंद और इसको भी किया बंद और इसको थोड़ी देर नहा रखते हैं, हैंड वॉश करते हैं, किया फिर हमने किया इसको ऑन। तो इसको हमने रखा कर्टन पे, कम इसको हमने रखा कर्टन पे। कर्टन पे रख के हमने किया स्टार्ट पोज, तो ये स्टार्ट हो चुकी है। लुक 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 आई कैन हो चुकी है। अब ये जो है ना 45 मिनट तक वॉश होगा, फिर ये खुद ही ड्राई होकर बाहर आ जाएगा। मतलब बाहर तो मुझे निकालना पड़ेगा लेकिन वो अलार्म देगा तो ये ड्राई होकर बाहर आ जाएगा, अलार्म देगा तो फिर मैं इनको निकाल लूँगी। और कुछ कपड़े मैंने लॉन्ड्री के लिए भेज दिए हैं। सो खाना खाने का तो हमारा कोई मूड नहीं है अभी, तो हम खाने लगे। मैं बनाऊँगी लस्सी, तो आपके साथ लस्सी शेयर करते हैं। मेरी बेटी है छोटी, बड़ी है 2.5 ईयर्स की है। ये हमें सॉस पैन दिया हुआ है, देखें सॉस पैन दिया है, फ्राई पैन दिया है, लुक फ्राई पैन दिया है, राइस बनाने के लिए, करी बनाने के लिए सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन ये क्या खाना आ जाता है हॉस्टल, हमारी मिनिस्ट्री से ही खाना आता है तो फिर हमें इतना नीड नहीं होती है। तो लस्सी पैन सिखाती हूँ। ये मेरी चार्जर की बात तो, मैं तो आई नहीं। ओके गुड, तो हम डालेंगे इसमें लस्सी। क्विक रेसिपी है ये, क्विक रेसिपी है लस्सी। इसमें थोड़ा सा डाला नमक, नमक के साथ टेस्टी हो जाती है। वो कहते हैं ना कोई भी किचन की रेसिपी देखो तो वो कहते हैं हस्बैंड ज़रूरत, तो ये भी हस्बैंड ज़रूरत आप डालो। और इसमें डालेंगे हम चीनी, चीनी चीनी ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैंने 3 स्पून डाले। बहुत सब फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, सब फैसिलिटीज़ हैं, लॉन्ड्री आती है, खाना आता है, वीक में ट्वाइस अ वीक जो है वो क्लीनिंग होती है हमारे रूम की। सो एल्का थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगी। तो हम थोड़ा सा पानी डालते हैं तो मज़े मज़े की लस्सी बन जाएगी। कुछ ना खाने को दिल करे तो आप लस्सी के इसको थोड़ा सा शेक करते हैं ताकि बॉटल अंदर से अच्छी तरह क्लीन हो जाए। शेक करते हैं। अभी तो मैं खैर न्यू यूट्यूब व्लॉगर हूँ तो मुझे इतनी एडिटिंग नहीं करनी आती है, लेकिन होप सो वक्त के साथ साथ आप बहुत कुछ सीख जाते हो। आई नो लोग अच्छे कमेंट्स भी देते हैं
बुरे कमेंट्स भी देते हैं, अच्छे व्यूज भी आते हैं, बुरे व्यूज भी आते हैं, बट आपको कोकअप करने वाले होने चाहिए, सब कुछ ईजी हो जाता है। एग्जाम है 27 को, तो आप सबसे रिक्वेस्ट कीजिएगा ताकि जो हम इतनी दूर से आए हैं तो हम अपने मकसद में कामयाब हो सकें। और खैर सबकी प्रेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, मेरे फादर हैं, मेरी मदर्स हैं, उनकी प्रेयर बहुत ज़्यादा है। तो लस्सी हो गई है रेडी और दिखने में बहुत अच्छी लग रही है और थिक भी है, तो इसको हम रखेंगे अभी फ्रिज में ताकि ठंडी हो जाए। और मैं अपनी पार्टनर से पूछूँगी कि खाना खाना है तो फिर खाना खाते हैं, नहीं तो फिर वो अपने घर पे बात करें, ये टाइम हमारा सबका घर पे बात करने का होता है। तो हम इसको रख देंगे डी में, लुक ये हो जाएगी ठंडी, फिर उसके बाद हम ग्लास में पोर करके पिएंगे। और मेरा यूनिफॉर्म ऐसा 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 लुक वॉश होता जा रहा है, इजी टू वे जिनको काम करने नहीं पड़े, जो काम से भागते हैं वो ऐसे कर सकते हैं। खैर मैं भागती तो नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा भागती भी हूँ, जब बहुत ज़्यादा थक जाऊँ या एग्जॉस्ट हो जाऊँ तो वॉश करते हैं। बाहर इतनी गर्मी है और अंदर इतनी ठंड है कि 24 आवर्स हमारा गीज़र ऑन रहता है, जिसको ऊपर रखते हैं इसके कैप को ताकि टूट ना जाए, बिकॉज इट्स सो एक्सपेंसिव। ऊपर रखते हैं स्पून वाली ट्रे, वो भी ऊपर रखना है, लुक लाइक दिस। फर्स्ट आई हैव टू कीप स्पून, देन कीप देयर। सो केटल इज वॉश्ड, कप को इनकी प्लेस पे रखेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इनको इनकी प्लेस पे रखेंगे। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने घर पे बात करी थी बच्चों से, और बच्चे तो छोटे हैं अभी बात नहीं कर सकते, बट फील करते हैं कि मामा नहीं है यहाँ उनके पास, और अपने डैडा को बहुत कम रखते हैं और अपनी दादू के पीछे ही रखते हैं। तो इसको हम रखेंगे यहाँ, पानी की बोतल साथ ले जाएंगे। सो हमने सारा कुछ साथ साथ ही क्लीन कर लिया, इसको भी अच्छे से टाइल को क्लीन कर देते हैं।
दूध गिरा था वो भी क्लीन कर लेते हैं। इसको वॉश किया, मैंने कम धुल जाएगा तो उसको बाहर कंटिन्यू है। नाइस, ये हमारा घर है प्यारा सा। फिर आपको दिखाती हूँ अपना लोबी। लुक, सबके अलग अलग रूम्स हैं, सब लोग अपने अपने रूम्स में हैं। खाना खाने के बाद ये चेयर्स रखी हुई हैं, हर रूम के बाहर एक एक चेयर है। यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर सब वो यहाँ रख जाते हैं और बेल कर देते हैं। फिर हमें पता चल जाता है कि खाना आ चुका है, तो फिर हम उसको उठा के रूम में ले जाते हैं और हम सुबह जाते हैं 6:10 पे हमारी वैन आ जाती है। 6:10 पे हम निकल जाते हैं अपने अपने रूम से, क्योंकि वैन 6:15 पे निकल जाती है ड्यूटी के लिए। सो जो रह गया सो रह गया, वो खुद से फिर जाए। तो यहाँ हम अपना सारा गार्बेज थ्रो करते हैं। ये हमारी लिफ्ट है, 1, 2, 3 and 4 एंड लिफ्ट 2 फॉर सलोन। दिस लिफ्ट ओनली फॉर सलोन, इसे हम यूज़ नहीं करते, इसको यूज़ करना अलाउ भी नहीं है। सो ये हमारा छोटा सा लोबी है। मैं नीचे जाऊँगी आपको अपना नीचे रिसेप्शन और वो भी सब चीज़ें दिखाऊंगी। सो तब तक के लिए बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियोस को मज़ीद शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स को भी रिक्वेस्ट करें वीडियो सब्सक्राइब करें, माय चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ कमेंट, अगर कुछ बातें ऐसी नागवार भी गुजरी हो तो उसके लिए भी माजरत है, क्योंकि अभी नया तो इसलिए थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है बनाना। लेकिन आई होप बहुत जल्दी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज आपके साथ शेयर की जाएंगी। सो ये हमारी रात की रूटीन है, अभी हम लस्सी पियेंगे और फिर हम थोड़ा सा डिनर करेंगे और गो बैक टू स्लीप। फिर सुबह मॉर्निंग में जब उठूँगी तो फिर आपके साथ न्यू व्लॉग शेयर करूँगी। नो एडिटिंग, नो मेकअप, नो फिल्टर्स। आई मिस माई फैमिली सो मच। फ़ोन करती हूँ, बताती नहीं हूँ उनको, क्योंकि वो फिर मुझे उदास देखकर ज़्यादा उदास हो जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं इतना शेयर नहीं करती कि मैं बहुत उदास हूँ। तो ये बाहर आ गए हम, विंडो है ये, तो ये हम लोग भी बैठे हुए हैं, ये हमारा रूम है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआएँ दुआओं के साथ रुख्सत कीजिए और तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और मज़ीद आपके साथ अपनी सारी वीडियो शेयर करूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, डॉक्यूमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम्स हुई क्या नहीं, और पैकिंग में क्या प्रॉब्लम्स हुई क्या नहीं, क्या क्या रखा मैंने पैकिंग में, और सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। बाय बाय, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट।